बकरा ईद को महज कुछ ही दिन बाकी है और बकरा ईद को लेकर ना बच्चों के बीच में काफी उत्साह दिखता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, बच्चे अपने अपने बकरों को लेकर खड़े हैं और देखिए उनके बीच में उनके चेहरे पे ये उत्साह, ये है सिर्फ और सिर्फ बकरा ईद का उत्साह। कुर्बानी का बकरा इस्लामिक परंपरा जिसमें ईद उल अजहा या ईद उल जुहा के मौके पर मुसलमान समुदाय द्वारा बकरे को विशेष रूप से इबादती कार्यक्रम के लिए चुना जाता है। कुर्बानी का बकरा खरीदने का कार्यक्रम ईद के आसपास शुरू होता है। लोग बकरे की देखभाल और पालन पोषण करते हैं, अपने घरों में एक बकरे को खरीदते हैं। ये बकरा आमतौर पर एक मजबूत, स्वस्थ, तंदुरुस्त और युवा जानवर होता है जिसे बकरा ईद के दिन कुर्बान किया जाता है, वो भी इस्लामी तरीके से। इस्लाम के अनुसार ईद के दिन बकरे की कुर्बानी की जाती है जिसका मकसद अल्लाह की आराधना करना, इबादत करना और इस मौके पर दान यानी ज़कात देना और गरीबों की मदद करना होता है। बकरे को इस्लामी तरीके के अनुसार खलीफा या एक इमाम के निर्देशन में कुर्बान किया जाता है और फिर इसका मांस सभी में बांटा जाता है। बकरा ईद के लिए बकरे आ चुके हैं, प्यारे प्यारे तंदुरुस्त बकरे जिन्हें कुर्बानी के लिए जिनकी कुर्बानी दी जाती है। आप मेरे आस पास देखेंगे, हम अभी महल परिसर में आए हैं जहाँ पर हम एक बकरा, जो बकरा विक्रेता है उनके घर पर अभी हम मौजूद है। मेरे आसपास काफी सारे बकरे हैं, आप एक बार इन पर नजर डालिए, कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। काफी सारे बकरे जो है वो बिक चुके हैं, अभी कुछ मौजूद है हमारे पास, तो हम इनके विक्रेताओं से जानेंगे कि किस तरह बकरा ईद में बकरों को कब से कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता है और किस तरह उनकी देखभाल की जाती है और इन्हें इतना तंदुरुस्त बनाया जाता है कुर्बानी के लिए। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ बकरे के एक विक्रेता हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि कब से इन बकरों को यहाँ पर लाया गया है और कितने बकरे अब तक बिक चुके हैं और इन बकरों को इन तंदुरुस्त रखने के लिए वो क्या क्या काम करते हैं। तो सीधे बकरे के जो विक्रेता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कब से यहाँ पर बकरों को लाया जाता है और बकरों को किस तरह कुर्बानी के लिए तैयार करने के लिए उनके खान पान का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि किस तरह बकरा ईद के लिए आप बकरों को तैयार करते हैं और कितने वक्त पहले से तैयार करते हैं। मैडम, पहले तो मैं अपना नाम बतला देता हूँ। मेरा नाम अब्दुल वसीम है और ये बकरों का जो मेंटेनेंस करते हैं हमारे एजाज भाई और अजहर भाई, ये सब उनके देख रेख में तैयार होते हैं बकरे। और ये डेढ़ डेढ़ साल पहले से हम लोग बकरों की तैयारी करते हैं और इनको तैयार कर कर जो खास लोग है इस क्वालिटी का माल खरीदना चाहते हैं, ये माल सिर्फ उन्हीं को बिकता है, ये मंडी में नहीं जाता माल। ये हमारे पास में ये कोटा नस्ल की ब्रीड है, ये माशाल्लाह ये ब्रीड देखो आप, ये कोटा नस्ल की एक ब्रीड है हमारे पास में। तो कितने बकरे अब तक बिक चुके हैं और किस तरह बकरों का पालन पोषण किया जाता है उसके बारे में क्या बताएंगे? बकरे मैडम अभी करीब करीब हमारे पास में 28 से 30 बकरे सोल्ड हो गए यहाँ से। अब ये बचे हुए है कुछ है 8-10 बकरे अपने पास में, इंशाल्लाह ये 2-3 दिन के अंदर में निकल जाएंगे, सोल्ड हो जाएंगे सब। ये मेवाती नस्ल की ब्रीड है, ये खस्सी बकरे है, ये 100 किलो पार के बकरे है। एक इधर हमारे पास में ये पंजाबी ब्रीड है, ये भी खस्सी है, ये पंजाबी बीटल बोलते हैं इसको, ये भी करीब करीब 100 केजी के पास है ये बकरा।
जिस तरह आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी बकरे मौजूद है काफी तंदुरुस्त है और इनके रंग बिरंग सब अलग अलग रंग के बकरे हैं। ये लोगों को काफी आकर्षण करते हैं और बकरा ईद में खास तौर पर देखा जाता है कि लोग काफी समय पहले से बकरों को खरीद लिया करते हैं। यहाँ पर एक और बकरा मौजूद है तो हम उनसे जानते हैं कि क्या होता है कि बकरा ईद में लोग कितने समय पहले से बकरों को खरीदते हैं और अब तक जब तक बकरा ईद का चांद नहीं दिख जाता उस वक्त तक भी लोग बकरे को खरीदते हैं। तो क्या है आपका अनुभव, कब लोग किस समय ज्यादा बकरों की खरीदी होती है? जी, मेरा नाम है मोहम्मद जावेद, ये रेख देख मैच करता हूँ यहाँ पे सब, और मेरे अब्बू है एजाज अहमद, उन्हीं का सब पालन पोषण हम लोग ही करते हैं यहाँ पे। ये इसकी तैयारी तो 2 साल पहले से हम चालू कर देते हैं जहाँ तक हो सके। चांद के बाद में इसका खरीदना ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी नस्लें लोग जानबूझकर खरीदते हैं। कुर्बानी का बकरा ईद के उत्सव में उत्साह और धार्मिक भावना का प्रतीक होता है जो लोगों को साझा करने, समर्पण करने और सद्भावना की भावना को बढ़ा देता है। ये भी एक अवसर होता है जब एक परिवार और दोस्त मिलकर खाने का एक साथ मजा लेते हैं और गरीबों को भी मांस आहार और खुशियां प्रदान की जाती है। क्योंकि बकरा ईद में ना कुर्बानी का जो बकरा होता है उसकी तंदुरुस्ती का काफी बड़ा ख्याल रखा जाता है क्योंकि बकरा तंदुरुस्त जितना होगा उतना ही कुर्बानी के लिए लोग उसे बेहतर मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन बकरों, जो मैं नजर घुमा कर देख रही हूँ हर तरफ, तो बकरे काफी तंदुरुस्त मुझे नजर आ रहे हैं, तो किस तरह आप कितने एक दिन में कितनी खुराक उन्हें देते हैं जो वो इतने तंदुरुस्त है, किस तरह उनका ख्याल रखते हैं? इनको सुबह के टाइम पे हम चोकर और भूसी खिलाते हैं, चने की भूसी होती है और चोकर होता है वो खिलाया जाता है, और दोपहर के टाइम पे इनको फ्रीडम के लिए पत्ते खिलाते हैं हम, इसके गूगल के पत्ते वो खिलाते हैं, और नाइट में फिर वही चोकर और भूसी खिलाते हैं। 3 टाइम इनका खाना होता है, यानी इंसानों की तरह इनका भी भरपूर ख्याल रखा जाता है और 3 टाइम इनकी भी खुराक दी जाती है। तो आप नजरें घुमाइए, ये बकरे अभी भी ईद को वक्त है बट चांद रात के दिन इन बकरों की मांग बहुत बढ़ जाती है और हर कोई चाहता है कि उनका जो बकरा वो खरीदे वो बिल्कुल ही बेहद ही तंदुरुस्त हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे हमने, आ जाइए आप, जैसे हमने नजर घुमाई, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर काफी सारे छोटे बकरे भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो इन, मुझे जहां तक पता है कि छोटे बकरों की कुर्बानी तो दी नहीं जाती है, तो जो छोटे बकरे हैं जिन्हें अभी रखा गया है इन्हें किस दिन के लिए तैयार किया जा रहा है? फ्रीडम के लिए रखा जाता है। जैसे ये बकरी है, ये हंस है, ये ये 2 साल के लगभग इनको तैयार किया जाएगा बकरे के लिए। ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है, ये दोनों बच्चों को तैयार किया जाएगा बकरे के लिए 2 साल के लिए। तो मतलब अभी से आने वाली 2 साल बकरा ईद के लिए अभी से तैयारियां की जाती है। अभी से आप देखिए छोटे छोटे जो बकरे हैं वो भी यहाँ पर पाले जा रहे हैं, इनकी भी तंदुरुस्ती का ख्याल रखा जाएगा, इनकी भी उन्हें खुराक दी जाएगी और इन्हें आने वाली 2 साल बकरा ईद तक संभाल कर तंदुरुस्त किया जाएगा उनकी खुराक मेंटेन करके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन बकरों का जो नस्ल है उसके हिसाब से इनकी कीमतें क्या होती है, जो नाजरीन अभी देख रहे हैं शायद उनको इल्म हो। ये मेवाती नस्ल है, दोनों ये जोड़ा है मेवाती नस्ल का है, ये 60,000 रुपए पर प्राइस के रखे है हमने जोड़ा, इसकी कीमत है 60,000 रुपए जोड़ा, मेवाती नस्ल है ये। और आ जाइए इधर, और बड़े बकरे दिखा देता हूँ आपको, मैंने इसकी कीमत 65,000 रुपीज है, 65,000 रुपए हमने रखी है। दिखाई पड़ने में भी ये काफी सुंदर और काफी तंदुरुस्त है, सफेद कलर जो लोगों को काफी आकर्षित करता है, इसके अलावा कई रंग है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा बकरों को और काफी सारे, देखिए आप नजर घुमा के, अभी सफेद ये एक अलग है, इस पर दो रंग, दो नहीं मेरे ख्याल से आप देखें तो यहाँ पर 3 रंग मिक्स है, काला सफेद और भूरे रंग का, ये भी ब्राउन मेवाती है, तो ये भी काफी आकर्षित करता है लोगों को। इस तरह हमने अभी इस वीडियो में काफी सारे बकरे देखे और जो लोग अब तक बकरे नहीं खरीदे हैं वो यकीनन चांद रात के दिन तो बकरे की खरीदी के लिए उत्सुक होते ही है और बकरे खरीदते ही है। तो अभी हमने तंदुरुस्त बकरों को देखा है, तो ये था बकरा ईद का बकरों की स्पेशल स्टोरी
जहाँ हमने देखा कि ये कुर्बानी वाले बकरे की सरहा काफी समय पहले से तैयार किए जाते हैं, जैसा कि बच्चों को 2 साल पहले से अभी से पाला जाता है, फिर उन्हें इतना अच्छा तंदुरुस्त बनाया जाता है। आज की हमने इस रिपोर्ट में जाना बकरा ईद के लिए बकरों की तंदुरुस्ती और उनकी तैयारी और उनकी नस्ल के बारे में। तो ये थी हमारी बकरा ईद के लिए स्पेशल बकरों की रिपोर्ट। कैमरामैन अजित कुंवर के साथ अक्सा वहीद अंसारी, BCN न्यूज़, नागपुर।